ओके okay. अभी स्ट्रेस आधी जिंदगी तो स्ट्रेस में निकलना है मेरे को ना एग्जाम से पहले टेंशन नहीं था ट्रस्ट में गाइस मुझे एग्जाम से पहले तो वो नो ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस ऑन माय डे जिंदगी मस्त चल रही थी मेरी मैं आराम से सोने वाला था रात को साढ़े दस बजे मैसेज आ गया तुम्हें नींद आ रही है क्या मेरी तो फट रही है बस ये मैसेज आया तुम्हें नींद आ रही है क्या मेरी तो फट रही है वो लड़के का था कि लड़की का था वो तुम इमेजिन कर लो ठीक है वो तुम्हारे ऊपर है उसको देख के मेरी फट गई यार अच्छा मैं इतना चिल्ड आउट हूं मैं इतना चिल्ड क्यों मैं मेरी फट गई किस बात की टेंशन बताओ तुम किस चीज को लेकर तुम स्ट्रेस ले रहे हो क्वांट में क्या होगा वर्बल में क्या होगा लॉजिक में क्या होगा बेटा जी अभी जो करेगा ना वो सी ही करेगा तुम कुछ नहीं कर सकते अभी यू टाइम चला गया दैट शिप हैव सेल्ड अभी जो करेगा एग्जाम वाले दिन होगा इफ यू आस्क मी में इंजीनियर ना कि पेपर कैसा जाएगा ठीक है इंजीनियर पेपर कैसा जाएगा वो तो भैया पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा सो so, क्वांट नहीं कर पाए वर्बल नहीं कर पाए अरे मेरी फोटो आ रही बीच में सॉरी मैं अपनी फोटो साइड पे कर देता हूँ। पहले क्यों नहीं बोला यार फोटो भी, भी, भी बीच में आ रही है तुम लोग भी ना यार आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स ठीक है सीटें में करे अभी टेंशन क्यों लेना सीईटी के बाद यही काम है सीई के बाद और कुछ काम दाम है ही नहीं ओके okay. रिजल्ट कैसा जाएगा देर इज अ दिस इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आप प्रॉब्लम बताओ आपकी स्ट्रेस की प्रॉब्लम बताओ रिजल्ट कैसा जाएगा इज अ फ्यूचर की बात पास्ट में काश मैं ज्यादा पढ़ा होता पास की बातें सीटी ट्वेंटी टू में फोड़ के आऊंगा सीटी ट्वेंटी टू में फोड़ के आऊंगा वो बेटा आने के बाद सोचेंगे अभी मत सोचो अभी प्रेजेंट में आप बस एक चीज सोच सकते हैं लास्ट टू डेज एक चीज सोच सकते हो कि कल क्या करना है करना है वॉट इज गोइंग टू बी माई मॉक स्ट्रैटेजी वॉट इज गोइंग टू बी माई टाइमिंग पर सेक्शन वॉट इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटी बस कैट का फॉर्म भरना सिद्धेश आने के बाद डिसाइड करेंगे ना बाबा क्यों टेंशन ले रहा अभी तो अभी की बात करना <laughs> काश का सीई टी की फीस कम कर दो कर देंगे यदि श्री पहले एग्जाम तो देके आस्त है तुम लोग का सीई टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की फीस कम कर पहले अपनी सारी सेटिंग लगा लो तुम ओके okay, पहले तुम अपना सेटिंग लगा लो तुम सी टी ट्वेंटी टू की स्ट्रेटी करेंगे सब बातें करेंगे सब बातें करेंगे अभी नहीं अभी के लिए अगले दो दिन के लिए बस तुम ये फोकस करो कि ये एग्जाम कैसे क्रैक करना है बस प्रेजेंट स्टे इन द प्रेजेंट पब्लिक सला एग्जाम के बाद ये होगा वो होगा तब की बात करेंगे ना सितंबर अक्टूबर नवंबर तुम बस यही सोचना है ठीक है के रिजल्ट कब आएगा ये कब होएगा वो कब होएगा तब की तब देखी जाएगी एवरी सेशन के बाद हम लोग लाइव जाके हम बात क्या करेंगे ठीक है ओ माई गॉड गाइट इतने हाई लैंग्वेज बेटा मत यूज क्या करो भाई अठारह साल के हुए नहीं और बात तो इतनी हाई फाई ठीक है तो भाई आप बस फोकस करो ऑन क्रैकिंग सी टी ट्वेंटी सब बातें करेंगे ट्वेंटी टू की बातें सब करेंगे आप बस ट्वेंटी टू वन के एग्जाम देकर आओ प्रेजेंट प्लीज चेंज द पास्ट मतलब पब्लिक क्या हो रहा है मैं इतना अटैप्ट करूंगा तो ऐसा करूं तो हो जाएगा उतना अटैम्प्ट करूंगा तो ये हो जाएगा इतना करेंगे अरे बाबा तू अटेम तो कर उधर से वो घंटा भी समझ नहीं आने वाली तेरे दिमाग में क्या हो रहा है ठीक है उधर मेरे को घंटा भी समझ नहीं आने वाला आज मैं आपको पहले बोल देता हूं कि भाई सौ नंबर पार कर दो एक इज्जत वाला कॉलेज चाहिए तो सौ नंबर पार कर दो एक सौ बीस पार हो गया एग्जाम वाले दिन तो बट वो अभी कैसे बोल सकते ना यार वो रिजल्ट आने के बाद देखेंगे तब की तब ये सब सीटी की बात करेंगे बातें कट ऑफ ये वो सब बातें करेंगे ठीक है अभी के लिए लंबी लंबी सांस से लंबी लंबी सांस से ठीक है लंबी लंबी सांस से लो और बस अपन फोड़ के आओ पेपर राइट जय माता दी ऑल द बेस्ट लेट्स रॉक ओके जितना मॉक में आ रहा है उससे कम नहीं आना चाहिए उसके ऊपर आना चाहिए राइट राइट वट इफ द डिफिक अरेंजमेंट कम छोड़ देंगे यार छोड़ देंगे